नमस्कार साथियों, मैं रजत सिंघल आप सभी का अपने वीडियो चैनल पर बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत बार देखा गया कि हम कोई कार्य अगर अशुभ घड़ी में अशुभ समय में आरंभ करते हैं तो हमें उसमें उम्मीद जितना फल नहीं मिलता और संभवतः कभी कभी तो हमें उसमें अशुभ फल भी मिलता है। बहुत बार देखा है कि हमने अपना घर बना लिया, अच्छे से अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बुला लिया, बट अगर हमने अशुभ घड़ी में बिना मुहूर्त के उस घर में गृह प्रवेश किया तो हमें उस घर में इतनी शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? यानी कि मुहूर्त का अपना एक विशेष महत्व है और इसी के चलते मैं आपको बता रहा हूं, पंचक का जो समय होता है, 5 दिन का, ये जो हर माह हर महीने एक पंचक आते हैं, तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं पंचक कब आते हैं। जब चंद्रमा कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करता है तो हर माह ये पंचक का समय आता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो पंचक होते हैं 5 नक्षत्र में जब चंद्रमा गोचर करता है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये 27 में से 5 अंतिम नक्षत्र हैं जिनके अंदर जब चंद्रमा आता है तो पंचक का समय आरंभ होता है। दोस्तों, इस दौरान काफी छोटे छोटे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। जैसे कि अगर आपके घर का काम चल रहा है, आप घर बनवा रहे हैं, तो इस पंचक के दौरान आपको नई छत का निर्माण नहीं करना है, यानी कि कोई भी लेंटर इन 5 दिनों के दौरान आपको नहीं डालना है। इसके अलावा अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की यात्रा को अवॉइड करना है। साउथ डायरेक्शन आपके घर से, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके ऑफिस से, जो भी डायरेक्शन साउथ में, उस डायरेक्शन की दिशा, उस साउथ डायरेक्शन की दिशा को आपको इस पंचक के दौरान नहीं करना है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से लकड़ी खरीदते हैं, फिर चाहे वो फर्नीचर की फॉर्म में हो या कोई भी रॉ लकड़ी हो, तो आपको इस दौरान नहीं खरीदनी है। जैसे कि बहुधा कहा जाता है कि शनिवार को लोहा घर में नहीं लाते, इसी दौरान, इसी तरीके से पंचक के दौरान आपको फर्नीचर या लकड़ी घर में नहीं खरीद के लाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बताया आप इसको फॉलो करेंगे और इससे आपको लाभ होएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि पंचक के दौरान कई बार ऐसी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि पंचक के दौरान आपको शादी नहीं करनी, सगाई नहीं करनी, आपको कोई भी शुभ कार्य इस घड़ी में नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंचक के दौरान जो मैंने आपको कार्य बताए हैं सिर्फ वही निषेध है, वो आपको नहीं करना। तो जान लेते हैं पंचक कैसे देखेंगे। पंचक देखने के लिए आपको पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, और आजकल तो वैसे कितने कैलेंडर होते हैं जिसमें, जो हिंदी कैलेंडर है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि पंचक आरंभ हो रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा होता है। इसके अलावा आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी, अपने जो भी क्वेश्चन है आपको ज्योतिष से रिलेटेड, पंचांग से रिलेटेड, मुहूर्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका उचित समाधान बताऊंगा। धन्यवाद मित्रों।